आय तुलसीचा कडक शुरुआत जा सफलता निश्चित त्या। नमस्कार, मिडडे रिपोर्ट में आपनु स्वागत छे। आपनी साथे हूं छु मानसी सोनी। मोटा समाचार सूरत थी आवी रह्या छे। सूरत में रेप विथ मर्डर केस में आज सजा नु ऐलान थशे। माता अने बाळकी साथे दुष्कर्म बाद हत्या थई हती। आरोपी हर्ष सहाय गुर्जर ने कोर्ट आज सजा संभळावशे। 2018 में माता अने बाळकी साथे दुष्कर्म गुजार्यु हतु अने त्यारबाद हत्या थई हती। 6 एप्रिल 2018 ना दिवसे हत्या करी मृतदेह ने झाड़ियों में फेंकी देवामां आव्या हता। पांडेसरा में माता अने बाळकी ने ढोर मार मारीने हत्या कराई हती। तो मारी साथे फोन लाइन पर कीर्तेश छे। जी कीर्तेश, आजे सजा संभळावाना छे ते पहला अत्यारे शुं विगतो आवी रही छे? बिल्कुल मानसी, सूरत में 2018 में पांडेसरा विस्तार में झाड़ी में एक बाळकी की लाश पड़ी आई थी। बाळकी की लाश पड़ा ने एक अठवाडिया बाद एक महिला की लाश पड़ी आई थी। जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट करता बने माता पुत्र होने सामने आयु थे। सूरत पुलिस आ अननोन केस ने उकेलवा 100 जेटली टीमों बनाई थी। अमदावाद क्राइम ब्रांच की मदद लेवामां थी। त्यारे पुलिस पासे विगत आई थी कि मन्नार बाळकी की हत्या करवामां आवी थी। बाळकी की सामे तेनी माता साथे दुष्कर्म आचरवामां आवतुं हतुं। बाळकी विरोध करता तेनी हत्या बाद तेनी माता की हत्या करवामां आवी हती। जो कि आ मामले सूरत क्राइम ब्रांच सहित सूरत पुलिस और अमदावाद क्राइम ब्रांचे आरोपियों ने राजस्थान खाते भी झड़पी पड़ा था। जो कि 2 दिवस पहला ज आरोपियों ने कोर्टे कसूरवार ठहराया था। त्यारे बचाव पक्ष द्वारा आरोपियों की उम्र नानी पत्नी और बाळको होवानी वात करवामां आवी हती। त्यारे कही सकते कि थोड़ी ज वार संभवित चुकादो सूरत कोर्ट संभावे थी शक्यता है। कारण के खूब टक्कारी केस और माता व्यक्ति की हत्या मामलो हो जैसे कोर्ट द्वारा आरोपी ने फांसी की सजा अथवा तो छेल्ला स्वार सुधी की जन्मदिन की सजा सूरत कोर्ट संभाई सके तेवी संभावना व्यक्त करवामां आवी छे। जी कीर्तेश, बिल्कुल टूंक समय में कोर्ट सजा संभळावशे। अगाउ पण आना माटे सुनावणी हाथ धराई हती। कोर्ट में सरकारी पक्षे कई दलीलो करी हती? बिल्कुल, जे प्रकार बाळकी की हत्या करवामां आवी हती तेनी माता ने काम ना बहाने लावी तेनी साथे दुष्कर्म आचरवामां आवतुं हतुं अने जे समय बाळकी की मृत्यु मळी आव्यो तो तेना उपर 70 करता वधु इजाना निशान हता। एटले के खूब ज बेरहमीपूर्वक बाळकी ने मार मारवामां आवता होवानुं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामे आव्युं हतुं। एटले के खूब ज गंभीर केस हतो, करुणा वालो केस हतो, जेने ध्यान में राखीने सरकारी वकील परमल साहेब द्वारा आरोपीओने फांसी की सजा की मांग करवामां आवी छे। त्यारे बचाव पक्ष वकील द्वारा बंने आरोपियों की उम्र ओछी और पत्नी और बाळकों की बात करवामां आवी छे। सजा ओछा में ओछी करवानी रजूआत कोर्ट में करवामां आवी छे। त्यारे खूब ज चकचारी केस और आ केस की गंभीरता ने ध्यान में राखी समाज ने एक दाखलो देते जे प्रकार की सजा थोड़ीक ज वारमां सूरत की कोर्ट द्वारा संभाळवामां आवशे। चिकित्सेश, बिल्कुल आज बे आरोपी है, एक मुख्य आरोपी तेनी साथे एक मदद करनार आरोपी है। बंने आरोपी ने कोर्ट सजा संभळावशे। महत्वनी बात है, बंने आरोपी क्याना हता अने कया विस्तार में सूरत में रहता हता ज्यारे आ घटना बनी? बिल्कुल, आ बंने आरोपी मूल राजस्थान ना वतनी हता। कंस्ट्रक्शन अने बांधकाम व्यवसाय साथे जोड़ायेला हता। सूरत ना व्यस्त विस्तार में रहता हता अने जे महिला हती ते महिला ने राजस्थान थी काम ना बहाने लावी तेनी साथे तेनुं शारीरिक शोषण करवामां आवतुं हतुं अने खास करीने जो महिला विरोध करे तो तेने मारवामां आवती हती। जो कि आ समग्र घटना तेनी दीकरी सामे थता दीकरीए विरोध कर्यो हतो, जेने लईने आरोपीओ द्वारा दीकरीने पण मार मारवामां आवी हती। त्यारबाद तेनी हत्या करी तेने पांडेसरा विस्तारनी झाड़ीमां फेंकी देवामां आवी हती। जो कि बाळકોનો મૃતદેહ મળ્યો ત્યારે તેના શરીર પર 70 કરતા વધુ ઈજાના નિશાન પડી આવ્યા હતા। એટલે કે આ કેસની ખૂબ જ ગંભીરતાથી સુરત પોલીસે તપાસ કરી હતી। કારણ કે બાળકીની લાશ મળ્યા બાદ એક અઠવાડિયા બાદ તેની માતાની લાશ મળી હતી અને 15 દિવસ સુધી આ વ્યક્તિ કોણ છે તેની ઓળખ ન થતા પોલીસ દ્વારા ખાસ કરીને દેશના તમામ રાજ્યો સાથે જે લોકો ગુમ્યા છે તેમના ડેટા સાથે મેચ કરી અને આ કેસને ઉકેલવામાં આવ્યો। જી કીર્તેશ, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ। तो सूरत ना पांडेसरा विस्तार नो 2018 नो आ केस छे। माता अने बाळकी साथे दुष्कर्म करी तेनी हत्या करी देवामां आवी हती। टूंक ज समय में बंने आरोपियों ने कोर्ट सजा संभळावशे। आजे वात राजकोट नी। राजकोट में पीजीवीसीएल